ये देखो जैश मोल फिर क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब बेच चुके। सो भाई मॉर्निंग का टाइम है, 12:30 बज रहे हैं अभी, मतलब मॉर्निंग ही है, वही दोपहर है। सो मैं आ रखा हूँ संजय लेक, जो कि ऐसे ही मैं आ गया था घूमने के लिए मस्त जगह, और मुझे उस साइड ऐसा लगा कि एक सांप है, तो चाहता हूँ क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ये क्रॉस करके उस साइड जाके देखता हूँ है कि नहीं। मैं हल्के जीप लगी, क्या पता कोई वो इंसेक्ट वगैरह, लेकिन मुझे लगा सांप जैसा। चलो देखते हैं। हाँ गाइस देखो ये सांप, मैं यहाँ पे पार्क आया हुआ था, ये कौन सा सांप है देखो। बताओ रखो कि संजय लेक आया हुआ था और यहाँ पे देखो मुझे क्या देखने के लिए मिला है। गाइस पता नहीं अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, उसका देखो बस सर दिख रहा है, पानी के अंदर चला गया, पानी वाला सांप है, जहरीला नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है, मैन वर्सेस वाइल्ड में मैंने देखा है। इस सांप को मैं पकड़ने की कोशिश करूँ कि नहीं आप बताओ। यहीं से चल लेते हैं, इसमें भलाई है। सो गाइस यकीन नहीं कर सकता मैं कि मैंने खुद से ही सांप देख लिया। मैंने एक बार सांप देखा था गाँव में, जब मैं चेयर पर बैठा हुआ था, चेयर के नीचे से गया था, तो ये पता नहीं कि नाम तो नहीं पता, लेकिन पानी में गया था जहाँ तक मैंने मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा है, पानी वाले सांप जहरीले नहीं होते, याद है कि नहीं मुझे बताने। लेकिन अब दोबारा नहीं देखा, पानी में चला गया उसके बाद गायब हो गया। लेकिन यार पकड़ नहीं सकते ना, काट भी लेते हैं, जहर नहीं होता लेकिन चोट तो लगती, खून तो निकलता ही। बच्चे को मैंने बता के गलती कर दी कि सांप है, वो पकड़ने चला गया। इतने जावाज बच्चे हैं, ये कह रहा मैंने तो कितने सांप मार रखे हैं। तूने मारा भी है सांप को? कैमरा देखा नहीं। सो गाइस अब मैं चलता हूँ वापस घर, जाता हूँ, खाना खाने का टाइम हो गया, ऐसे ही घूमने आया था पार्क में, चलते हैं वापस। सो गाइस पार्क से आने के बाद सीधा सो गया था, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और अब चलते हैं छत पे, थोड़ा घूमते टहलते वहलते। नींद काफ़ी तेज आ गई थी, वीडियो भी बोल भी नहीं पाया, सीधा सो ही गया था। गाइस वहाँ से मैं वो सांप देख के आया, और मुझे सांप का सपना भी आया। आज तो मजा ही आ गया सांप देख के। तो भाई नीचे आ चुका हूँ, तैयारी में लगते हैं खाना बनाने के, प्याज काट रहा हूँ, खाना बनाते हैं। तो गाइस अब असाइनमेंट का भी काम करना पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कब तक होगा, बहुत सारा असाइनमेंट है यार, 8 असाइनमेंट है, एक भी नहीं करा है, डेट भी आने वाली है सबमिट करने की, तो स्टार्ट करते हैं। अब वैसे अभी लिखने में इतनी दिक्कत है आ रही है ना, कि राइटिंग की प्रैक्टिस चली गई है बिल्कुल, बहुत टाइम से कुछ लिखा भी नहीं है, सो इतनी धीरे धीरे इतना ही लिख पाया हूँ। सो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लिखने में, अभी धीरे धीरे हैबिट बनेगी, अभी फिर हाथ तेज चलेंगे, हाथ तेज भी चलाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा असाइनमेंट है। देख लो एक लाइन लिखने में हाल थोड़ा हो गया, राइटिंग भी इतनी गंदी, तो ट्राई करते हैं अभी लिख लिख के। तो गाइस फाइनली एक पेज कंप्लीट हो गया पूरा, राइटिंग भी ठीक ही ठाक है, तो धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा, फिर स्पीड से लिखेंगे। अभी करते हैं कंटिन्यू, ऐसे ही धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं, आज कम से कम एक सब्जेक्ट का तो कर लूंगा। राइटिंग तो मस्त है। रात के बज चुके हैं 10:10 और लिखते लिखते हालत खराब हो गई। देख लो कितने पेज लिखते हैं मैंने, 20 पेज तो कम से कम लिख दिए मैंने। तो बस एक असाइनमेंट हो ही गया, आज एक कंप्लीट कर दूंगा रात तक। अगर लिखते लिखते पैरों में भी जाम हो गए पैर, तो मैं सोच रहा हूँ पार्क से घूम के आऊँ, थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खा के सभी को लेते हैं साथ में और चलते हैं पार्क, और फिर आके ये कंप्लीट करेंगे। तो बंद कर देता हूँ अच्छे से, आज ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर कल दूसरे सब्जेक्ट का करेंगे, चलते हैं पार्क। तो वही सभी तो खाना खाने के बाद घर में पड़े रहते हैं, तो आज से मैंने रोज़ का रूटीन बना दिया, खाना खाने के बाद हम वॉक पर जाएंगे,
कभी पार्क चलते हैं। हर से तुझे साले जबरदस्ती खींच के मैं लाता हूँ। गाइस मैंने वीडियो बना के पेट बन जाता है। कल क्या बोल रहा था तूने, साले पार्क का राउंड मारा है। वीडियो गाइस वीडियो बना के मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों के मैं राउंड मारने जा रहा हूं। कहीं नहीं मारा था, जाके वहां फैल और गया था। तो गाइस अभी आइसक्रीम भी खिलाने वाला था मैं सबित को, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो खा पाएगा। भाई दिखा दे, ये दिखा दे। कल उस दिन तुमने निकाल ली थी, मुझे नहीं पता। ये वाली ये गई। हां ये ठीक है। जा ना जा ना। मुझे लगा कि ये कितनी स्पीड में भाग रहा है। निकल लो। सो गाइस आज दोनों को मिल गई वाली आइसक्रीम। ये बाबू तू देख रही है तो ले तेरा बर्थडे गिफ्ट, ले खा ले खा ले। सो गाइस थोड़ा वॉक करते हैं। देखो आप आलसी की तरह फिट बैठ गए। हम तो वॉक करते हैं गाइस, खाली बैठने नहीं आते। थोड़ा टहलते हैं पहले, इस पार्क का राउंड मारते हैं। देखो कितना बड़ा पार्क है, साइड तक पूरे साइड तक पूरा राउंड मारूंगा, फिर बैठूंगा थोड़ी देर, फिर घर चलेंगे। मारता हूँ राउंड गाइस। अभी तो एक दुर्घटना होते होते बच गई। अभी हम पेड़ के नीचे बैठे थे, एक खजूर के पेड़ के नीचे, और इतने तेज ये पत्ता गिरा, मुझे लगा पता नहीं कौन सी आंधी आ गई, ये पत्ता टूट के गिरा। पत्ता नहीं है, पूरी पूरी डाली है। हाँ भाई एक एक डाली है। तो इस बेचारे का तो सर ही फट जाता। लो कोई नहीं, बी सेफ। अब चलते हैं वापस घर। मैंने राउंड भी लगा लिया और सभी ने भी आराम से बैठ के टाइम पास कर लिया फोन चला के। सब चलते हैं वापस घर। तो गाइस घर पहुंच चुका हूँ, अभी टाइम हो रहा है 11:10 और अब जाके घर पहुँचाऊँ। और अभी असाइनमेंट करना पड़ेगा यार, पूरा करके ही सोऊंगा आज। एक असाइनमेंट तो पूरा कर लूँगा, मुश्किल से 7-8 पेज और होंगे। हाँ 7-8 पेज और होंगे। सो 7-8 पेज करके ही सोऊंगा। सो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे बने रहिए ब्लॉग चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी।